हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना, 1 तारीख पूरा आपके पास टाइम है और इसके बाद 2 तारीख को आपका एग्जाम है फिजिक्स में। किस प्रकार से पढ़ना है बच्चों, एक दिन में किस प्रकार से आप चाहते हैं कि यदि 70 नंबर है तो उसमें आप 60-65 आसानी से कर पाओ, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग आज इस लेक्चर में 5 से 6 मिनट समय दीजिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं बच्चों, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल अर्धवार्षिक के लिए। तो चैप्टर 1 और 13 और 14 ये मैंने आपको एक सिलेबस का वीडियो अपलोड कर दिया, उसे भी देख लेना है। लेकिन मैं सोचा कि एक ऐसा स्ट्रेटजी बना दो ताकि आप लोग एक दिन में क्या क्या पढ़े क्या क्या ना पढ़े। आज का दिन मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं बच्चों, आप आज मतलब 31 है, मतलब 31 दिसंबर है ना, और अभी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बच्चे 1 तारीख को देख रहे हैं उनको क्या करना है सुबह मॉर्निंग से बच्चों, सबसे पहले तो आपके पास 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है। ऑब्जेक्टिव में लोग फोकस नहीं करते हैं, सोचते हैं कि यार ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, और यही मेन होता है अंक बटोरने का एक भैया एक रास्ता एक चारा। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास यदि परीक्षा बोध है, परीक्षा बोध नहीं है तो कोई भी गाइड है, प्रश्न बैंक है, सबसे पहले तो आप प्रश्न बैंक को उठा लो। प्रश्न बैंक के सोल्यूशन आपको पूरे मिल जाएंगे। प्रश्न बैंक के सोल्यूशन आप कहोगे तो एक मैराथन क्लास कर ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 3 चैप्टर को छोड़कर पहले मॉर्निंग टाइम में आपको जितना जल्दी उठेंगे आप मॉर्निंग में बच्चों, मॉर्निंग टाइम में आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार रिवाइज करना है। ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आपको 3 घंटे लगेंगे। और हां बच्चों, 3 घंटे यदि लग रहे हैं तो 3 घंटे रहने दीजिए, आप बेहतर रूप से तैयारी करिए। 3 घंटे में ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ना है, हाँ रटना नहीं है, मात्र पढ़ना है, एक बार देखना है, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसके मुख्य रूप से 28 नंबर की बात आ जा रही, जितने लंबे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे भाई। अब 28 के बाद बच्चों आपके पास बचा कितना, 42 नंबर, यानी 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़ना है। यदि आप 5 बजे उठ जाते हैं तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर बच्चों आपको 20 से 30 मिनट का ब्रेक देना है कल, ठीक है, 20 से 30 मिनट का ब्रेक देना है। ब्रेक देने के बाद आप अपने हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, 2 अंक वाले प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग, अति लघु उत्तरी प्रश्न जितने भी हो सकते हैं सभी चैप्टर के पहले। ये अति लघु उत्तरी के लिए आपको 4 घंटे का समय है, 4 घंटे का समय है, मतलब 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 1 बजे तक यदि आप चाहो तो 4 घंटे आप क्या पढ़ोगे बच्चों, 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्न पढ़ना है आपको, 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्न पढ़ना है। इसके बाद आ जाता बच्चों मेन चीज है, जो थ्योरम है जो भूलता है इसको, क्यों भैया, ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ज्यादा देर तक याद हो सकती है, ठीक है, इसके बाद भी मैं आपको समझाऊंगा। ये 2 अंक वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले रहते हैं, एक बार पढ़ लिए थोड़ा बहुत सोच समझ के लिख देंगे क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चन रहता है। अब बात आ जाता बच्चों व्यंजक का, व्यंजक आपको पढ़ना है कैसे, दोपहर से लेकर के शाम रात जितने बजे रात तक आप पढ़ सको थ्योरम पढ़ो। और हाँ, सबसे बड़ी गलती तो ये होती है बच्चों कि वो चीज मत पढ़ो जो अभी आप तक पढ़े ही नहीं है। अरे भैया, जब 8 माइनस जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा उस पर फोकस मत करो, पहले उसे आप कट कर दो। यदि आपने अभी तक जो चैप्टर नहीं पढ़ा है उस चैप्टर पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, केवल वही चैप्टर पढ़ना है जो आपने अभी तक में पढ़ा है। हमने जो चैप्टर करा दिया है लगभग लगभग बच्चों परमाणु का जो चैप्टर चल रहा है उसके ही 2-4 क्वेश्चन ना कहो, 1-2 क्वेश्चन नहीं, बाकी पूरे हमने कोर्स करा दिए यूट्यूब पे। जितना सिलेबस आने वाला हाफ ईयरली में एमपी बोर्ड में पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके पास, जो नहीं भी आने वाला वो भी मैंने कराया, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो ये सारी वीडियो लेक्चर मैंने कराया, तो जो बच्चा पढ़ा है जिस टॉपिक को वही टॉपिक पर फोकस करेगा, ठीक है। और बच्चों ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल जो नहीं पढ़े हैं तो उस पर विशेष समय मत देना, क्योंकि 1 दिन का समय, 1 दिन के समय में आपको कुछ बेहतर करना है तो भाई उसी चीज पर फोकस करो जो आपने पढ़ा है। तो बच्चों आपको दोपहर से पूरा शाम तक लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे व्यंजक की बात करो, व्यंजक टाइम भले ही कम नंबर का आए, भले ही 4 नंबर का क्वेश्चन आए, लेकिन वहां पर आपको समय ज्यादा लग जाता है। कुछ ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न 10-15 प्रश्न मैं आपको कल दे दूंगा जहां से क्वेश्चन 1-2 फंस ही जाएंगे बच्चों, 1-2 फंस जाएंगे तो कल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना है वो चीज मैं बता रहा हूं। अभी फिलहाल आप लोग इतना यदि स्ट्रेटजी अपना लेते हैं तो अच्छे नंबर आने के गारंटेड भैया चांस है। 5 मिनट का समय दीजिए। इसके बाद बच्चों जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि आप तक अभी तक में पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो बच्चों इस बार हाफ ईयरली में न्यूमेरिकल आप लोग यदि कोशिश हो सके पढ़ लो। अभी मैं जनवरी में कोशिश ये करने वाला हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर चैप्टर से 10-10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक एक लेक्चर ला दूंगा, मेथड समझा दूंगा जो बोर्ड में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो अभी कल के लिए उतना भाई, जितना आप पीछे पढ़े होंगे तो ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल आप लगाएंगे तो आपके पास उतना वक्त नहीं है। हाँ, इसके लिए आप थ्योरम यदि अच्छे से तैयार करें, उसका फार्मूला तैयार कर लें कि इस फार्मूले से यदि क्वेश्चन आ जाए तो हमसे बन जाएगा। मॉर्निंग टाइम में बच्चों, मॉर्निंग टाइम में जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है,
ऑब्जेक्टिव फिर से एक बार देखना है, फटाफट रिवीजन रहेगा, कल एक बार रहेगा 1 तारीख को, फिर 2 को एग्जाम है, उसके पहले आप 1 घंटा में रिवीजन करेंगे मॉर्निंग में, खास खास प्रश्न उन प्रश्नों को टिक लगा दो, कल पढ़ते जाओ तो टिक लगाते जाओ कि ये प्रश्न ऐसा है कि आ सकता है, उनको एक बार फिर से देखते जाओ, ठीक है। फिर आपको तो एग्जाम ही देने जाना है बच्चों, तो ये स्ट्रेटजी होना चाहिए। ध्यान रखना है कि भाई साहब कल यदि आप कोशिश ये करो कि जो थ्योरम बन रहा है वो थ्योरम उस पॉइंट पर नजर लगाओ जहां पर यदि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, उस क्वेश्चन को आपने टेस्ट दिया तो आपसे बना, लेकिन वो टेस्ट देते समय हमें इस पॉइंट पर हमें दिक्कत हो रही थी। अब ये जो एग्जाम के टाइम में है ना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का मतलब कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप पूरा एक दिन में पूरा चैप्टर एक बार देख सकते हो, लिख नहीं सकते हो, लेकिन हाँ विशेष फोकस उस पॉइंट पर करो जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन करते समय हमें कौन सा फार्मूला इसमें लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, कितना निकल कर आ रहा है, कहां से हम कॉन्सेप्ट उठा के लगा रहे हैं, ये चीज आपको फोकस करना है। ये बिल्कुल ध्यान नहीं देना भाई साहब कि पूरा आप लिखते रह जाओ, पता चला 5 थ्योरम लगाओगे और एक दिन पूरा बीत जाएगा। बच्चों एक दिन का स्ट्रेटजी है, आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन यह चीज आप फॉलो करो। तब कोई भी थ्योरम पढ़ रहे हो तो यह चीज देखो, मेन पॉइंट कहां पे हम अटक रहे हैं। हमने टेस्ट दिया था, त्रैमासिक में हमने पेपर दिया था, तो इस पॉइंट पर हम अटक रहे थे, इस पॉइंट पर हमसे नहीं बन रहा था और इस पॉइंट पर हम गलती नहीं करेंगे। तो बच्चों ये पॉइंट आप लोग अजमाओ और पढ़ो। और अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आप दूसरे के जैसे पेपर डालने लगे। अरे मूर्ख बदतमीज हो तुम, हमसे परिचित ही नहीं हो कि क्वेश्चन पेपर हम डालते ही नहीं है, हम तो स्ट्रेटजी बताते हैं कि भाई साहब ये अभी मैंने सिलेबस डाला, उसने कह दिया। मुझे इतना गुस्सा आ गया कि साला वीडियो नहीं देखता बच्चा, ये मैं शर्म आती है यार ऐसे कमेंट पढ़ करके। तो मैं उन लोगों को भी समझाना चाहता हूं, जो बच्चा डेली आप पढ़ते हो ना तो इतना समझ लिया कर कि 50 भी हो जाते हैं फिर भी मैं पूरा लेक्चर देता हूं और एक एक मिनट मेरे समय अनमोल है, फिर भी आपके लिए बेहतर रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अपलोड करता हूं, भले व्यूज ना आए लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटता है जो कि सिलेबस में हो। हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी नहीं तो एग्जाम टाइम में कराता हूं, लेकिन बच्चों इतना ध्यान रखो कमेंट करने के पहले वीडियो अच्छे से देख लिया करो, इसके बाद कमेंट किया करो, नहीं तो गुस्सा तो आएगी यार, सिंपल है गुस्सा आएगी, क्योंकि आप लोग यदि रेगुलर हमारे स्टूडेंट तो ऐसे कमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो रेगुलर बच्चा पढ़ता है वो जानता है कि सर कैसे हैं, सर किस हिसाब से पढ़ाते हैं। हाँ स्ट्रेटजी बताता हूं कि किस प्रकार से पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर कल फोकस नहीं करना है। पता चले तुम लोग गेट पढ़ते रह जाओ, गेट पढ़ते रह जाओ, नया है। अब देखो यार एमपी बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट स्कूल की जो एग्जाम होने वाली उसके लिए बात कर रहा हूं। ओके बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।